अभी तक सो विल बी नोइंग अबाउट डायग्नोस्टिक रोल ऑफ साइटोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. अभी तक हम थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं. सो पैथोलॉजी का क्या रोल है साइटोलॉजी, मतलब इन्वेस्टिगेशन में वाई डू वी रीड पैथोलॉजी, वाई आर यू लाफिंग सो मच, व्हाट्स द जोक गोइंग अराउंड. सो वॉट इज, क्या रोल है साइटोलॉजी. पैथोलॉजी इज डिवाइडेड इन प्रैक्टिकल इन हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, हेमाटोलॉजी, राइट. सो यू पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि वाई पैथोलॉजी, वाई डू वी रीड पैथोलॉजी, हम क्लासेस क्यों कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्यों कर रहे हैं. लॉट ऑफ पीपल हैव दिस क्वेश्चन इन माइंड आई थिंक, मतलब मैंने सुना है. सो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पैथोलॉजी इन साइटोलॉजी, ठीक है. सो वॉट इज साइटोपैथोलॉजी. साइटोपैथोलॉजी, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, एंड पैथोलॉजी इज डिजीज. सो साइटोपैथोलॉजी रेफर्स टू डायग्नोस्टिक टेक्निक्स दैट आर यूज टू द एग्जामिन सेल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी साइट्स टू डिटरमाइन द कॉज और नेचर ऑफ द डिजीज. सो हाउ डू वी यूज दिस साइटोपैथोलॉजी, हाउ डू वी एग्जामिन सेल्स एंड वी एक्चुअली कैन टेल कि वॉट आर द वेरियस डिजीजेस इन द बॉडी, वी कैन मेक अ डायग्नोसिस एंड डिपेंडिंग अपॉन द डायग्नोसिस वी the clinician can follow up with treatment. So a little bit about history. Then in 19th century there was evolution of cytopathology. You must have heard the name Dr. George Papanicolaou. Did you hear? Kisi ko interest hai? No. So Pap stain is a very important stain which has revolutionized the cytopathology field. Okay, so it gives different colors to different cells, you will come to know later on. So he is the father of cytopathology, Dr. George Papanicolaou. He is main person for cervical cancer screening, and that was in third era. Dr. Leopold Koss, he consolidated the cytopathology in a book called Diagnostic Cytology. And in fourth era we have this Bethesda system for reporting cervical and vaginal cancers, it had come up. Okay, so this is just a part. So cytopathology methods are divided into three parts: exfoliative cytology, abrasive cytology, and fine needle aspiration cytology. So what is exfoliative cytology? The cells shed off in body fluids. So we examine those cells like pericardial fluid, पेरिटोनियल फ्लूड, प्लूरल एफ्यूजन, ये सारे जो फ्लूड्स होते हैं उनको हम एग्जामिन करते हैं, ठीक है. तो उसमें जो सेल्स आते हैं, जैसे मेलिग्नेंसी है या बेनाइन है, वी कैन टेल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक फ्लूड में वी कैन टेल इफ इट इज नेगेटिव फॉर मेलिग्नेंसी और पॉजिटिव फॉर मेलिग्नेंसी बाय एग्जामिनिंग दोज फ्लूड्स. यूरिन, सीएसएफ, स्पूटम, ये सारे में सेल्स शेड ऑफ. यूरिन में यूरिनरी ट्रैक्ट के सेल्स विल शेड ऑफ, स्प्यूटम में यू हैव दी व्हाट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शेड ऑफ, ठीक है. तो स्प्यूटम में वी डायग्नोज बहुत कॉमन है एसिड फास्ट बैसिलाई ट्यूबरकुलोसिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्प्यूटम डायग्नोसिस. सो दिस इज एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी विच विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो अब्रेसिव साइटोलॉजी में इम्प्रिंट साइटोलॉजी है. इम्प्रिंट साइटोलॉजी क्या होता है, जैसे कोई डिस्चार्ज है, पस डिस्चार्ज है, निपल डिस्चार्ज है, यू टेक इट इन द स्लाइड एंड यू एग्जामिन द सेल्स वेदर मेलिग्नेंट सेल्स आर प्रेजेंट और नॉट, यू जस्ट टेक अ इम्प्रिंट. सो दैट इज इम्प्रिंटिव साइटोलॉजी. यू टेक स्क्रेपिंग, ओरल स्क्रेपिंग स्लाइड में, सो दैट इज स्क्रेपिंग. एंडोस्कोपिक ब्रशिंग ऑफ म्यूकोसल सर्फेसिस, देन देयर इज फाइब्रो ऑप्टिक ब्रशिंग ऑफ द ब्रोंकियल सर्फेसिस. उसमें क्या करते हैं, एंडोस्कोपी के थ्रू अंदर ट्यूब ले जाते हैं एंड ब्रश करते हैं द म्यूकोसल सर्फेसेस जहां पे लग रहा है कुछ लीजन है, एंड देन दे टेक आउट एंड ब्रश इट ऑन द स्लाइड एंड देन वी स्टेन इट एंड वी एग्जामिन इट, ठीक है. एंड द मेन थिंग विल बी नोइंग अबाउट, आज हम पढ़ेंगे फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. यस, यू आर टॉकिंग इवन द प्रैक्टिकल क्लास आई रिमेम्बर. So fine needle aspiration cytology
fine needle aspiration cytology is very important. Just a needle, we can just insert a needle in a superficial lump. Koi bhi lump hota hai body mein. Even you must have seen patients or in family or in relatives ki ek superficial gaanth ban ke aati hai. है ना, नेक लंप कहीं पे भी, तो जस्ट बाय इंसर्टिंग अ नीडल इन द लंप यू कैन एक्चुअली मेक अ डायग्नोसिस. ठीक है, ठीक है. सो फाइन नीडल, लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास. फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में लंप, सुपरफिशियल लंप्स एंड डीप लंप्स. सो इफ देयर इज अ सुपरफिशियल नोड्यूल, यू कैन जस्ट इंसर्ट अ नीडल इन दैट लंप एंड यू कैन, हाउ द प्रोसीजर आई विल एक्सप्लेन यू एंड यू कैन एक्चुअली मेक अ डायग्नोसिस. सो इट इज हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता है, इट्स अ मोर इन्वेजिव प्रोसीजर. बायोप्सी करेंगे, फिर उसको फॉर्मेलिन में डालेंगे, फिक्स करेंगे, पैराफिन एम्बेड करेंगे, सेक्शन काटेंगे, स्लाइड स्टेन करेंगे, देन देखेंगे. सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. फिर प्रोसेसिंग की कॉस्ट होती है, सो दैट्स एक्सपेंसिव प्रोसीजर. ठीक है, बट विद जस्ट अ नीडल एस्पिरेशन यू टेक आउट सम मटेरियल विद द नीडल एंड पुट इट ऑन द स्लाइड, स्टेन इट, इट इज टोटली इनएक्सपेंसिव एंड यू कैन अगेन रिपीट इट इमीडिएटली. पेशेंट को बैठा के विद इन हाफ एन आवर यू कैन से, अगर मटेरियल ज्यादा नहीं आता है तो दोबारा यू कैन रिपीट इट, इट इज नॉट वेरी पेनफुल. सो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक. डीप ऑर्गन्स है, सपोज लिवर है, लंग है, तो उसमें वी कांट जस्ट डायरेक्टली पुट ऑन नीडल ब्लाइंडली, वी हैव टू सी वेर इज द लेजन. सो सीटी या अल्ट्रासाउंड ये सब करते हुए गाइडेड एफएनएससी होती है. ठीक है, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस अब्रेसिव साइटोलॉजी में देयर इज दिस फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पे एंडोस्कोपी के थ्रू ब्रोंकस में ब्रश लेके गए हैं एंड एरिया जहाँ पे एबनॉर्मेलिटी है, यू सी ऑन द स्क्रीन की इस एरिया में एबनॉर्मेलिटी है, ब्रश वहां पे रब करते हैं. सो दैट इज द नेम अब्रेसिव साइटोलॉजी. एंड देन यू रोल द, यू टेक आउट द ब्रश एंड यू रोल दिस ब्रश ओवर द स्लाइड एंड फिक्स इट एंड स्टेन. सो हम देखते हैं, सो दिस इज अब्रेसिव, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अब्रेसिव साइटोलॉजी. सो कमिंग टू फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, सो इसमें वॉट आर द एप्लीकेशन ऑफ फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी FNSC. It can be used for both palpable and non-palpable lesions. Palpable mass lesions, as I already told you, कि जो clinicians या cytopathologist होते हैं, एक enlarged lymph node है, cervical swelling है, या breast lump है, thyroid, diffuse thyroid swelling है यहाँ पे, salivary gland, submandibular, preauricular swelling है, soft tissue, abdominal mass, या wrist में कोई swelling, bony swelling, you can insert the needle and you can make a diagnosis. Non-palpable mass lesions like liver, thoracic cavity, abdominal cavity, some deep organs by image analysis, CT guided, ultrasound guided and other imaging procedures, you can do the fine needle aspiration. So what is the procedure? What are the materials needed? So you need a Franzen's handle, syringes with needles, clean glass slides and suitable fixators. So these are the only things which are required and no anesthesia is required. We ask, एक patient आया है, suppose एक neck swelling के साथ आया है, तो we'll ask the patient to sit properly in a comfortable position. ठीक है, sit or lie down depending upon where the swelling is. So for a neck we can make him sit. For somewhere in the abdominal cavity and chest we can make him lie down. Then we will, जहाँ पे lump है, we will palpate the lump, we will clean the overlying skin and we will fix the syringe in the Franzen's handle. The Franzen handle is movable, so we'll fix the syringe, we will put the needle depending upon, why, you always smile, क्या तुम्हारी हमेशा smiling face है या फिर you smile without any reason? Yeah. I hope you understood किसको मैं बोल रही हूँ. So insert syringe में you put the needle. Thyroid के लिए we use thin gauge वाले needles. So depending upon the site we will use the needle. The thickness will use. So needle को हम syringe में fix करते हैं and then we fix the syringe in the Franzen's handle. So this is the Franzen's handle, okay, and the syringe and the needle and will require glass slides and alcohol, Coplin jar, इसमें alcohol है, ethyl alcohol 95%. So this is the only material which is required mainly for fine needle aspiration cytology. Okay. So what we are doing, we are fixing the syringe.
in the handle, and with the hand, if you can see, that is movable. So you suppose this is a swelling, we insert the needle inside the swelling, and with the help of Franzen's handle, we give suction pressure to and fro. So and we move the needle in different directions. So the representative sample comes up. Hub, जो needle का hub होता है, उसमें दिख जाता है कि sample आया है कि नहीं, white या blood mixed या कुछ भी. As soon as the sample comes, you take out the syringe. Okay? So we take out the syringe and we take out the needle from the syringe. फिर सिरिंज को फिर पीछे पिस्टन को वो करते हैं, सक्शन देते हैं. देन अगेन वी फिक्स द नीडल एंड पुश द मटेरियल इन द स्लाइड. इफ यू जस्ट व्हाट यू डू, इफ यू जस्ट टेक आउट द सिरिंज एंड यू पुश द नीडल, यू गिव द सक्शन एज इट इज विद द नीडल, तो सारा जो नीडल में जितना हब में मटेरियल है वो अंदर खींच जाएगा. तो पहले नीडल को निकालना है सिरिंज से, सक्शन देना है empty syringe mein, and then you push the suction syringe inside the needle. Okay, and this whitish shake material aspirate aaya hai. With the help of another glass slide, you spread the aspirate and then you fix it in the Coplin jar and stain it. So this is what I have told. Apply suction while moving needle back and forth within the lesion and change the direction of the needle so that the representative sites are sampled. Terminate the aspiration when aspirated material or blood is visible in the hub of the needle and release the suction before withdrawing the needle to equalize pressure within the syringe. And after withdrawal of the needle, apply pressure for 2-3 minutes at the site of puncture, so that there is no bleeding and there is to prevent hematoma formation. You give a cotton and you ask the patient to press as the blood sample draw karte hain. So it's similar to that. Okay. Aspirated material from the needle is expressed on a clean glass slide by first detaching the needle and filling the syringe with air and expressing it with pressure. Pressure ke saath wo 2-3 baar hum needle ko push karte hain slide mein. Smears are prepared as for the blood smears. And if the material is semi-solid, it is first crushed with by gentle pressure. Zyada pressure nahi dalna hai, nahi to cells distort kar jayenge. So gentle pressure with a glass slide and smears are preferred. As I told you, for non-palpable lesions, radiological imaging aids for FNA, CT guided, US guided, jab wo lesions are deep seated. Advantages of FNA over surgical biopsy, I discussed, it's an outdoor procedure. Patient aata hai, usko hum FNA karte hain and then we discharge him. There is no admission, there is no indoor procedure related to the patient. No anesthesia is required and within hours we can give the diagnosis. And the patient ki treatment jaldi start ho sakti hai depending upon the pathological diagnosis. Procedure can be repeated. It can be repeated अगर material is not enough या representative नहीं है, it can be repeated without much complications and low cost procedure. So first हमें जो sample मिलता है FNA में उस वो कैसा होना चाहिए. So it should be representative of the lesion. It should be, अगर हम lymph node से ले रहे हैं तो it should have the lymphoid cells. ऐसे नहीं है कि कोई दूसरे cells आ गए. So you should be we should know at our level, not yours, ki kaisa dikhta hai cell in situ. Samples must be adequate in terms of cells and other tissue component. Adequacy is important. If it's inadequate, how will we give a report, right? Samples must be correctly smeared and processed. If you apply too much pressure, if you overstain it, the cell morphology gets obscured. So you can't make a diagnosis. This biopsy must be accompanied by sufficient correct clinical and radiological information. That is very important, without which sometimes the diagnosis gets difficult. So this is a patient. There are two methods. Fine needle aspiration cytology, FNAC with aspiration and without aspiration. So without aspiration, what we do? We only use the needle. Only the needle. No syringe, no handle, nothing.
And with aspiration, there are again two procedures, with Franzen's handle, without Franzen's handle. With Franzen's handle, what we do is that, as I already told you, we fix the syringe in the Franzen's handle and apply the suction pressure. Okay, and without Franzen's handle, what we do, we just take the syringe, ek haath se swelling ko fix karenge, bilkul taki wo swelling hile na, aur dusre haath se syringe ko lump mein dalenge, dalke, with that hand only we have to use the suction pressure. Okay, we will use only the syringe to apply the suction pressure. Yahan pe Franzen's thyroid swelling hai, to patient ko, we will make the patient lie down, and they have used the Franzen's handle. Syringe and needle is mounted in the pistol grip. It is also called pistol grip, and is operated by one hand. Ek haath mein Franzen's handle hai, dusre haath se usne swelling ko fix kiya hai. ठीक है, फिर हम needle को घुसा देंगे swelling के अंदर. We'll just insert the needle. ठीक है. So this is without Franzen handle. If you can see the picture, there is no handle in this. ठीक है, तो this is a swelling. उसमें we have inserted the syringe and we have applied. And see, you can see they have applied the pressure back and forth. At the end, we'll release the pressure. ठीक है, and we'll take out the syringe in E. Then this is the point I was telling, the point number F. इसमें क्या करते हैं कि needle is taken out of the syringe, उसके बाद एक suction is applied in the empty syringe, then we attach the needle with the syringe and we take out the sample on the glass slide. So this is without aspiration. There is no Franzen handle, there is no syringe. If see this picture, there is no Franzen handle, there is no syringe, there is only what can you see? Needle. So usually thyroid ke liye, this is a preferred method because that is very vascular. Thyroid mein dalte blood aa jata hai. Blood aane se kya hoga? Coagulate karega, coagulation, clot formation happens very early. So jab hum slide mein lete hai material aur it clots, स्टेन करने से भी इट्स लाइक ऑल दी जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स हमें जो देखना है वो क्लॉट में एंटेंगल्ड हो जाते हैं. सो इट मेक्स डायग्नोसिस डिफिकल्ट. तो निडल वी जस्ट पुश टू फ्रो, निडल को घुमाना है अलग अलग डायरेक्शंस में, लंप को एक हाथ से फिक्स करना है, निडल को एक अलग अलग डायरेक्शंस में, मतलब यू जस्ट डोंट टेक आउट द निडल, निडल को यू इंसर्ट द निडल इन द लंप एंड विद इन द लंप ऐसे ऐसे करके उसको वो करना होता है, टू फ्रो एंगल्स में घुमाना होता है. विथ कैपिलरी एक्शन देर इज मटीरियल इन द हब, हब में दिख जाता है, एंड यू जस्ट टेक इट आउट. देन यू टेक अ एम्प्टी सिरिंज, पहले से रेडी करना होता है एम्प्टी सिरिंज में सक्शन अप्लाई करके. इट इज ऑलरेडी, इट इज आउटसाइड, सो यू इंसर्ट दिस निडल इन साइड दिस सिरिंज, दैट एम्प्टी सिरिंज, एंड यू पुश इट इन द ग्लास लाइट. सो दिस इज विदाउट एस्पिरेशन. So this is the technique. I hope it is clear. It is inserted A mein, needle ghusaya, alag alag directions mein, andar mein hi usko ghumate rehna hai, 2-4, 2-4. C, A, we take out the needle, and D, with the help of a syringe jisme suction pressure hai, we keep it in the glass slide. Now smear preparation. अब क्या करना होता है, स्मीयर प्रिपरेशन. तो वॉट एवर वी हैव सीन इन दिस विदाउट एस्पिरेशन, विथ एस्पिरेशन, ये है सारे डायरेक्ट स्मीयर्स, बिकॉज वी टेक द डायरेक्टली हम निडल से, वी कीप इट ऑन द ग्लास स्लाइड एंड विद द हेल्प ऑफ अदर ग्लास स्लाइड वी स्प्रेड इट जेंटली. ठीक है, सो दीज आर ऑल डायरेक्ट स्मीयर्स. सो देयर आर अदर स्मीयर्स विच वी यूजली यूज इन एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, दैट इज फॉर फ्लूइड्स. फ्लूइड में अब हम कैसे करेंगे, वो cells are less in fluids, right? Fluid is more. Watery होता है fluid usually. तो उसमें cytocentrifuge method करते हैं. Cytocentrifuge में वो concentrate कर देता है material at the bottom of the tube. And then we take the supernatant in something else and we जो नीचे जो material इकट्ठा होता है tube में, उससे हम एक slide prepare करते हैं. Okay?
so you have lot of cells. So that is cytocentrifuge smears. There is another method which is obsolete, centrifuge smears using membrane filters. So filters mein what happens, they use the paper filter is used to they trap the contaminating material. But this is obsolete, usually if my slide cellular morphology is not that accurate. So mostly we use direct smears for effinacy and cytocentrifuge smears for the fluids ya cystic fluid ho gaya, kahin se bhi koi fluid hi sample aata hai, jisme cell kam honge, to usko cytocentrifuge karte hai. And we use liquid based cytology, monolayer liquid based cytology. This is for pap smears. We use this also for fluids, but this is mostly standard method used for pap smears in cervical pap, for screening of cervical pap. These smears are superior to the conventional counterparts. And they also allow testing for human papilloma virus DNA particles. Okay. अब जो मटेरियल सपोज बच गया, स्लाइड बन गए, एक दो स्लाइड बन गए, हमें लग रहा है इनफ है, अब जो मटेरियल बच गया हम उसको क्या करेंगे? उससे भी हम कुछ कर सकते हैं, उससे हम उसकी उस मटेरियल को फ्लश करते हैं आइदर फॉर्मेलिन में या इथेनॉल में. तो फॉर्मेलिन में एक टिश्यू की तरह वो फिक्स हो जाता है, एक टिश्यू बायोप्सी लेते हैं उसको फॉर्मेलिन में फिक्स करते हैं ना, तो इस मटेरियल को भी हम फिक्स कर सकते हैं. इसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं फिक्स करने का, तो उसको फिर फॉर्मुलिन में फिक्स करके पैराफिन एम्बेड कर सकते हैं. पैराफिन एम्बेड करके सेक्शंस काटना है. होप इट्स क्लियर हाउ हिस्टोलॉजी सेक्शंस आर मेड. पता है? डू यू नो? अच्छा, ओके. सो बायोप्सी, वी रिसीव बायोप्सी इन फॉर्मुलिन. फॉर्मुलिन में रिसीव होता है, फिक्स होने के बाद उसको क्या करते हैं, फिक्स होने के बाद क्लियरिंग, फिर इम्प्रेगनेशन वैक्स में डालते हैं, ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक्स कटते हैं, जो तुम लोग देखते हो, जो आपको दिखाया गया, ट्यूबरक्लोसिस दिखाया गया ना, सेक्शंस आई थिंक स्लाइड में दिखाया गया ना प्रैक्टिकल्स में. सो दोज आर आर हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस. उसमें प्रोसेस करना पड़ता है, टाइम लगता है उसमें. सो सेल ब्लॉक, सो जो एफएनए तो जल्दी हो गया, फटाफट हो गया, डायग्नोसिस भी बन गया, जो मटेरियल बच गया हम उसका सेल ब्लॉक बना सकते हैं, हिस्टो के तरह प्रोसेस कर सकते हैं, उसके भी स्लाइड्स बन सकते हैं. और उसमें हम एचएनई सेक्शंस कर सकते हैं, स्पेशल स्टेन्स, आईएचसी, एंड वी कैन डू फर्दर मोर स्टडीज. सो व्हाट आर द रूटीन स्टेन्स व्हिच आर यूज्ड इन एफएनए? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेन्स. Usually both the, it is desirable to do both the stains, air dried based stains and wet fix stain. Air dried में क्या है कि हमने smear बना लिया, बना के उसको सूखने के लिए छोड़ दिया. And then we use Romanowski stains, MGG, DiffQuick. These stains are done on these air dried. And फिर और एक है वेट फिक्स स्टेन. वॉट इज वेट फिक्स्ड? उसमें हमने स्मेयर बना लिया और हाथों हाथ कॉपलन जार में 95% इथेनॉल रहता है वहीं पे जहां प्रोसीजर करते हैं उसमें डाल दिया, तो वो सोल्यूशन में फिक्स होगा. उसके बाद उसको थोड़े देर छोड़ने के बाद जब वो उसको फिर स्टेन करते हैं, वी यूज पैप स्टेन, एच एन ई स्टेन. सो देयर स्टेन्स विल बी डिस्कस्ड मोर इन मोर डिटेल्स इन द नेक्स्ट क्लास. सो दिस इज जस्ट ओवरव्यू आई हैव गिवन यू कि पहले स्मियर बनेगा फिर स्टेन करेंगे. व्हाट आर दी अदर स्टडीज विच कैन बी डन इन द साइटोलॉजिकल मटेरियल? आई टोल्ड यू वी कैन डू सेल ब्लॉक. सेल ब्लॉक के ऊपर स्पेशल स्टेन्स लग सकते हैं. सेल ब्लॉक इज हिस्टो के तरह जो प्रोसेस कर रहे हैं. सिंपल स्पेशल स्टेन्स लाइक जेड एन जील निलसन. फॉर जील निलसन क्यों करते हैं? एसिड फास्ट बेसिलाई फॉर ट्यूबरक्लोसिस, राइट? और एनी अदर स्पेशल स्टेन यू नो? फंगस के लिए क्या करते हैं? एनीवन? सिल्वर स्टेन्स पास है ना, सो वी कैन डू दोज स्टेन्स इन साइटोलॉजिकल स्मियर्स ऑल्सो वी कैन डू, एंड वी कैन डू ऑन सेल ब्लॉक ऑल्सो. इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इम्यूनोहिस्ट्री सपोज एक कैंसर डिटेक्ट हो रहा है और हमें पता करना है कि
कंफर्म करना है कि उस लोकेशन में है, तो वी हैव मार्कर्स. वी कैन डू इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, फ्लो साइटोमेट्री. We can do cytogenetic analysis also, molecular pathology, electron microscopy. We can do everything on those. So we can give a provisional diagnosis so that treatment starts, and we can also go for further secondary tests. So ek report ke liye kya kya important hoti hai, adequacy. First, we should be clear to the clinician if the specimen is adequate or not, cells are adequate or not. So if we have material is inadequate, हमें slide देखा और उसमें bloody blood दिख रहा है, कोई epithelial cell नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, तो that is an inadequate material. या फिर कुछ कम है, cells जितना होना चाहिए उससे कम है, we can't make a diagnosis on one or two cells. We need some cellularity. So we should always give a message to the clinician ki we need to re-evaluate or re-investigate the case. Okay, so diagnosis, we can give a specific diagnosis. Agar kabhi kabhi specific diagnosis nahi ho, it's not possible, so we can give for positive for malignant cell or suspicious for malignancy in case of malignancy. So that is also very helpful for the clinician, and they can go for a second diagnostic test. Sometimes we can give a descriptive diagnosis when we can't give a specific diagnosis. That is also very helpful for the clinician. Suppose there is a discharge or there is a cystic swelling. Okay? So, लेकिन उसमें कोई epithelial cell नहीं दिख रहा है, उसमें बस cyst macrophages दिख रहे हैं और fluid background दिख रहा है ना? तो we can just write a description कि sex smear shows cyst macrophages in a background of fluid. Kindly correlate, we can discuss with the clinician at least उनको एक impression मिल जाता है कि benign process है, malignant cells नहीं दिख रहे हैं, this is a possibility of a benign process, so treatment उस तरह से होती है, ठीक है, and we can always discuss, it is always, sometimes we need to call the clinicians and discuss the case with, so that we can come to a final diagnosis. So sometimes, what are the factors that affect adequacy? As I told you, सेल्यूलर मटीरियल, नॉन डायग्नोस्टिक मटीरियल, सेल्स कम है. समटाइम्स वी जस्ट लीव द फ्लाइट, एयर ड्राई स्टेन करना है, एयर ड्राई करके स्टेन करना है सपोज, एंड बट वी आर लीविंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आर्टिफैक्ट्स आते हैं, बहुत ज्यादा देर भी नहीं छोड़ना है स्मेयर्स को, ठीक है. सो इट गिव्स फॉल्स इंप्रेशन ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ द सेल्स एंड न्यूक्लियाई. अगर बहुत ज्यादा अक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, सो दे विल ऑब्सक्योर दी actual cells, the epithelial cells, the diagnostic cells, and if there is too many blood elements, especially RBCs, then the diagnosis is difficult. So in final aspiration cytology, what do we see? Gross appearance of the fluid, jo material aa raha hai needle mein, how is it? Is it granular? Is it gelatinous? Is it blood mixed? Okay. Is it grumous, pultaceous, brownish color? Colloid है कि नहीं, thyroid से निकाल रहे हैं तो. ये सब हमें grossly भी एक impression देता है. Gelatinous, अगर wrist swelling में gelatinous aspirate आ रहा है grossly, तो what does it signify? Ganglion cyst. Grumous, pultaceous सा material आ रहा है, brownish, dirty सा, from a superficial swelling behind the ear. It can be epidermal cyst. So these are the gross appearance itself can give a clue to diagnosis in final aspiration. Then what do we do? Slide ban gaya, ye to gross ho gaya, ab slide bana liya humne, slide mein ko stain kar diya, uske baad low power mein kya dekhenge ki cellularity kaisi hai, cells kitne dikh rahe hain, hai na. Examine areas of interest, fir background mein kya dikh raha hai, erythrocytes, RBCs dikh rahe hain, necrosis dikh raha hai कि क्या दिख रहा है, सेल टाइप कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनाइजेशन, वी विल कम टू सम पिक्चर्स लेटर ऑन, एंड अगर डिपेंडिंग अपॉन द हिस्ट्री स्पेशल स्टेन्स कैन बी आस्क्ड, वी कैन आस्क फॉर स्पेशल स्टेन्स. सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल टाइप्स, एपिथेलियल, स्ट्रोमल, मेसेनकाइमल एंड इंफ्लेमेटरी सेल्स. एपिथेलियल में ग्लैंडुलर या स्क्वामस हो सकता है, सो स्ट्रोमल मेसेनकाइमल में फाइब्रस, कॉन्ड्रॉइड, कॉन्ड्रॉइड मतलब कार्टिलेज, ऑस्टियो,
और क्या है बोन, ठीक है, न्यूरो एंडोक्रीन एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स, क्रॉनिक एंड अक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्क्वामस. इन द लेफ्ट साइड यू कैन सी पॉलीगोनल सेल्स विथ स्मॉल न्यूक्लियस. ओके, दिस इज अ स्टेन, पैप स्टेन है. पैप स्टेन में अलग अलग स्टेजेस, जैसे सर्वाइकल स्मियर है, सुपरफिशियल सेल्स हो गए, स्क्वामस सेल्स, इंटरमीडिएट स्क्वामस सेल्स है, सब अलग अलग कलर लेते हैं. So this is a pap stain, this is squamous cells, this is glandular component. The next picture is miss, this is a small cells, round to oval, they are making ball like 3D clusters. This is mesenchymal. Can you see the spindle shaped elongated nucleus is miss, stromal. Can you see? Okay, kuch samajh mein aa raha hai? Can you understand the blank faces? Mesenchymal is spindle shaped elongated cells. Iske nucleus dekho kaise elongated hai. So these are spindle shaped mesenchymal cells and this is neuroendocrine. So you can see the different morphology. Alag alag cells alag alag tarike ke dikhte hain and you can guess what is the diagnosis. You can come to a conclusion. Why are you smiling? What are the different kind of cells you can see? Yes. What are the different kind of cells you can see? So now we will distinguish. Pehla kaam kya karenge? Whether it's a benign. You can go out of the class. If there's some joke going around. So there's a pehla kya karenge, whether it's a tumor or it's an inflammatory condition or it's an infectious etiology. Okay, so pehle hum jo slide dekhenge, we will get an impression. Ye impression sabse pehle hume we need to take out ki isme this is an inflammatory condition or a tumor. This is some infective agents. So cryptococcus, ye round structures. Can you see the budding yeast? Small. Dikh raha cryptococcus? Okay. So that this is a slide of cryptococcus. So parasitic. This is a parasitic egg. Fir ye worm hai slide mein. And this is pneumocystis carinae. So can you see the varied different presentation of different cases? In just tick aspiration karke we can get this. And we can make a diagnosis. These are the cellular changes in herpes simplex virus infection. The ground glass nuclei, multinucleation hota hai. See, the nuclei is having a glassy appearance. It's not dark, it is a glassy appearance. And you have multinucleation also. Now we will be seeing what are the tumor cell types. Round to caudate, large cell epithelial. You know, you can see this orange color fiber cells. Can you see orange color? That is squamous cells. And this, signifies it is very classical presentation of squamous cell carcinoma. Okay, so this is fiber cells of squamous cell carcinoma. So this cell, yahan pe you can see polygonal cells. This side round to oval polygonal cells. एंड इस तरफ एक फाइबर सेल्स है. बैकग्राउंड में जो टूटे टूटे सेल्स दिख रहे हैं ना, जो ब्लू ब्लू टोस है, वो सारे न्यूट्रोफिल्स हैं. स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑलवेज बैकग्राउंड में दे हैव अ नेक्रोटिक एंड इन्फ्लेमेटरी बैकग्राउंड. दिस इज स्पिंडल्स टू स्टेलेट स्मॉल टू मीडियम सेल्स मेसेनकाइमल. कैन यू सी दिस इन दिस राइट वन? द सेल्स आर एलोंगेटेड. This has a monomorphic looking appearance, round cells, small to medium round cells. This can be lymphoproliferative, neuroendocrine or poorly differentiated, depending upon. So FNMA, one thing is very important, that is site. So if we know the site, ki humne lymph node se liya hai ya fir humne ek breast lump se liya hai, so what is the diagnosis? Okay, so you can't have a lymph node, ek arm, superficial arm swelling, and you can't just make a diagnosis of lymphoma there, right? So the site is very important. That helps us in the diagnosis. Cell organization, papillary structures,
clusters, I'll show you some. So this is papillary structures, the finger-like projections hote hain. Cluster. So this is a cluster formation, 3D clusters. Honeycombing, wo jo cells aise lambe lambe, like it is arranged in a single line, can you see? So that is honeycombing pattern. Molding. So every, suppose papillary carcinoma of thyroid hai. So usme we get this papillary clusters. So this has a importance. Cluster, ye jo cluster dikh raha hai, 3D cluster we can see in adenocarcinoma. Honeycombing signifies glandular cells. Molding kahan dikhti hai? Small cell carcinoma. So you don't need to know this for the exam purpose. Just I'm telling you the concept is that thing molding matlab kya hota hai? Ek cell dusre cell se aise it is outlining the border of the other cell. Okay, so that is molding. So the concept is ki every observation knowledge is important, which sare mila ke sab correlate karke we can come to a diagnosis. So that is important. Then inflammation hai ki ek tumor hai, ye to ho gaya neoplasia. Aur neoplasia mein benign hai ki malignant hai? Suppose neoplasia hai, benign hai ki malignant hai, ye bhi to pata karna hoga. So this is benign tumors, some examples. So this is adenoma, chote chote acinar formations hai, bahut innocuous looking cells hai. Nucleus dekho bilkul hi round, and they don't look an isokaryosis nahi hai, variation in size nahi hai, enlarged nahi hai. Moderate amount of cytoplasm, and they have the small acinar glandular formations. Papilloma, so this is finger-like projection is me. So what are the criteria for malignancy? The nuclear features and cytoplasmic features. So you have in nuclear usually hyperchromasia hota hai, and isokaryosis, high NC ratio, and nucleus is enlarged, cytoplasm kam ho jata hai. Multinucleation dikhte hai, mitotic figures will be increased, nucleoli can be large and variably shaped. So see this. So this doesn't look like a normal benign cell. The nucleus is much enlarged, cytoplasm has reduced, so this is high NC ratio. There is alag alag cells ki nucleus ka size alag alag hai. So an isokaryosis hai. Hyperchromasia, chromatin opened up ho jate hai. This is multinucleation. I hope you can understand. There are many nucleus in a single cell. This is atypical mitosis. Nucleolar features. Can you see this red enlarged nucleoli? This is not nucleus ke andar jo nucleoli hai. Multiple nucleoli hai. 1, 2, 3 nucleoli hai ek ek cell mein. What are the important cytoplasmic features of malignancy? Vacuolization. Upar mein cells mein vacuolization dikh raha hai. Can you see that? Yes. This is single cell keratinization in squamous cell carcinoma. This phenomena may be seen. Okay. To tell you, not all phenomena is seen in all the slides. Aisa nahi hai ki single cell keratinization har squamous cell carcinoma mein dikhi jayega slide mein. So that is lot of multiple information features sabko correlate karna bhi zaruri hai. This is cannibalism. Can you see the cell in the middle? Ek cell ke andar dusra cell, it has just eaten up the other cell. So that is called cannibalism. So I have discussed the cytological features of malignancy already. Okay. So coming, this is the interesting part. Now clinical case scenario. How do we apply practically? Okay. Kaise, how does it really help? Do you want to attend the class? Should I continue? Yes. So there are two case scenarios. There are two case scenarios. A 19-year-old female presenting with breast lump for 3 to 4 months. Okay. On examination, breast lump is freely mobile, firm in consistency, and it is small, 1 to 1 centimeter in size. Okay. The next case scenario is a 45-year-old female presenting with breast lump for 4 to 5 months. It is painful, hard in consistency, and fixed to the chest wall.
3 into 3.5 centimeter in size. Okay? So see, the first case scenario is in the left side. Can you see the cells? They look uniform. Okay? They look uniform. It's in a monolayered sheet. Single sheet mein hai. Ek jaise dikh rahe hain, there is no isokaryosis. There is epithelial cells and myoepithelial cells. You won't need to abhi समझ में नहीं आएगा विच इज एपिथेलियल विच इज मायोपिथेलियल, बट दोनों पॉपुलेशन है इस स्लाइड में. ठीक है, सो दिस इज अ फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट. सो व्हाट वाज द क्लिनिकल सिनेरियो? एक सो क्लिनिकल इंप्रेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. 19 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटिंग विद ब्रेस्ट लंप फ्रॉम मोबाइल इन कंसिस्टेंसी 1 into 1 centimeter साइज. सेकेंड सिनेरियो देखो यहां पे. दिस इज अ केस ऑफ 45 ईयर ओल्ड फीमेल, हार्ड ब्रेस्ट लंप 3 into 3.5 centimeter इन साइज. ओके, फिक्स टू द चेस्ट वॉल. ठीक है, सो लुक एट द वेरिएशन इन द साइज एंड शेप ऑफ द सेल्स, द न्यूक्लियस. ओके, हाइपोक्रोमेशिया है, एनाइसोन्यूक्लियोसिस है, प्लियोमॉर्फिज्म. दिस इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिज्म. बैकग्राउंड कितना डर्टी है, नेक्रोटिक सा है ना. सो दिस इज ब्रेस्ट डक्ट कार्सिनोमा. So this itself gives such an important information to the clinician and immediately the treatment can be started. Next case scenario, 30-year-old male presenting with left cervical lymphadenopathy with pus discharging sinus. Multiple matted lymph nodes with discharging sinus. So what do you think? Kya kya ho sakte hain differentials? Kya ho sakta hai patient ko? A clinical impression bhi to form karna hai. Before sending the patient for FNSC, clinician ने कुछ तो सोचा होगा FNSC करवाने से पहले क्या हो सकता है patient को. What else we will ask the patient? History? What history? Now, what do you see? Epithelioid cells, flipper shaped cells. कहां दिखता है? ग्रैन्यूलोमा. ओके, सो केजिएशन है, लैंगहैंस जाइंट सेल दिख जाएंगे इसमें. सो नेक्रोटिक डिब्रीज होंगे. ठीक है, सो इट्स अ ग्रैन्यूलोमा फॉर्मेशन. सो यू कैन आस्क अ हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ ट्यूबरक्यूलर लिम्फेडेनाइटिस. व्हाट विल वी डू नेक्स्ट? वी हैव अ सस्पेक्शन ऑफ ट्यूबरक्यूलर. We will do Zn stain. Zn stain में क्या देखा? Acid fast bacilli. So within a day the treatment can be started. Why do we need biopsy for this? We don't need. Next case, clinical scenario, 35-year-old female presenting with diffuse anterior neck swelling for 2 months. On examination, swelling है diffuse, right and left side दोनों में है. And जब patient को we'll ask the patient to lie down and ask to deglutination check करेंगे क्या होगा. Swelling will move upwards. What do you think? कहां से swelling? Thyroid swelling. Thyroid diffuse swelling. What do we see? This is a pap stain. Fluid सा एक material लग रहा है ना, fluid सा आ रहा है ना, इसमें कुछ cells नहीं है. It can be a colloid nodule. What else do you see? Fluid आ गया, फिर हमने फिर से एक बार रिपीट किया हमने, बिकॉज सिर्फ फ्लूइड आता है तो उसमें सेल्स चांसेस कम है. तो वी टेक आउट द फ्लूइड, वी डू इट अगेन फ्रॉम, वी पैल्पेट एंड वी फील कि अलग एरिया से एक सॉलिड एरिया जहां लग रहा है वहां से हम करेंगे. तो क्या दिखता है? सिस्ट मैक्रोफाजेस एंड सम थायराइड फॉलिकुलर सेल, है ना, बोथ द पिक्चर्स. ऊपर एमजीजी स्टेन है, नेक्स्ट इज PAP stain. In the next class we will know what is the difference between MGG and PAP and why do we do both the stains. क्यों करते हैं हम? What is the advantage of one over the other? दोनों करना usually beneficial है. So this is a cystic degeneration of a colloid goiter. Next case, again a midline neck swelling in a 38-year-old female. More on the right side. ये उतना डिफ्यूज नहीं है, ये थोड़ा सा लोकलाइज स्वेलिंग दिख रहा है. एंड दिस इज ऑल्सो मूविंग विद डिग्लूटिनेशन. अगेन अ थायराइड स्वेलिंग. सी दिस पिक्चर. कोलॉइड नहीं है इसमें, आरबीसीज दिख रहे हैं कुछ, वो ब्राउनिश एंड दिस एक छोटे छोटे फॉलिकल्स बन रहे हैं. सो व्हाट डू यू
What do you think it is? Follicular neoplasm. We cannot say it's adenoma and carcinoma. In thyroid ke case mein hum adenoma ya carcinoma FNA mein nahi bata sakte hain. Hum bata sakte hain it's a follicular neoplasm. Why? Because histo mein hume capsular ya vascular invasion dikhana hota hai, uski criteria hoti hai for diagnosis. So at least we can say clinician ki thyroid follicular neoplasm hai. You know, it's a tumor. So this suppose, I'm just making up a scenario, suppose a 30-year-old female is presenting with a submandibular swelling. Right, submandibular swelling, kahan se ho sakta hai? Lymph node and salivary gland, ye bhi ho sakta hai. So we take out the aspirate, aspirate looks like this, there is fibrillary, ye matrix sa dikh rahi hai jo, hair like thode thin, wo fibrillary chondromyxoid matrix hai. And there is this epithelial and myepithelial cell jo sheets mein pade hain. So this is a case of pleomorphic adenoma. So this is another lymph adenopathy hai, 0.5 into 1 centimeter ke saath present kiya hai. And you get this cervical lymph node, 5-year-old bachcha. To isme बहुत अलग अलग तरीके के सेल्स दिख रहे हैं ना, सेंट्रोसाइट्स है, सेंट्रोप्लास्टी, दीज आर ऑल लिम्फोइड सेल्स एक्चुअली. दिस इज रिएक्टिव लिम्फ एडिनोपैथी, देयर इज नथिंग, दिस इज रिएक्टिव लिम्फ एडिनोपैथी. इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट स्लाइड विच यू हैव सीन रिएक्टिव लिम्फ एडिनोपैथी, डू यू सी दिस? ये भी लिम्फ नोड्स है लेकिन इसके सेल्स कैसे हैं? एक जैसे दिख रहे हैं, ओपनड अप है. दिस इज अ केस ऑफ लिम्फोमा. And this is another case of lymphoma. ये Hodgkin's lymphoma है. Can you see these binucleated cells? Multinucleated and binucleated cells, है ना? So these are RS cells. ठीक है? So I gave you some clinical scenarios which will clear up your mind कि what is important, why cytopathology is important, and what is the application of pathology. Why do we need to read pathology and what is it actually? This is adenocarcinoma pancreas. That's all right. So what are the advantages? Samples can be collected easily and quickly, prepared, stained and interpreted quickly. It is an inexpensive procedure. I'm just repeating, I have already told you, little or no risk to the patient. We can identify the disease process, neoplasia versus inflammation, specific versus non-specific inflammation, benign versus malignant. Okay, we can give directly, we can give the therapy after the diagnosis is made. Prognostic value bhi hai. And next diagnostic procedure, suppose ek malignancy hai, toh IHC karwana hai, nahi karwana hai, biopsy karni hai, mass ko, lump ko pura nikalna hai, kitna nikalna hai, ya phir radical mastectomy karna hai, ya phir sirf lump nikalne se ho jayega, benign tumor hai toh. So these thought process comes up. Disadvantages, sometimes it is not always possible to localize the lesion. Pre-invasive se invasive differentiate karne mein problem hoti hai. Jab DCIS, when you read breast cytology, it is in pre-invasive versus invasive. Okay. So ductal infiltrating ductal carcinoma and ductal carcinoma in situ, jab duct ke andar hi hai. Jab हम निकालेंगे साइटो में तो जस्ट फैले हुए सेल्स दिखेंगे, राइट? इट जस्ट कम्स अप सिंगल सेल्स, सो यू डोंट सी द होल डक्ट. सो प्री इन्वेसिव फ्रॉम इन्वेसिव कार्सिनोमा डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट होता है. रिएक्टिव, समटाइम द रिएक्टिव सेल्स लुक लाइक मेलिग्नेंट, सो दैट टाइम इट गेट्स डिफिकल्ट. एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश ट्यूमर टाइप, मतलब बिल्कुल ही क्लियर कट डायग्नोसिस. जस्ट वी कैन गिव पॉजिटिव फॉर मेलिग्नेंसी या नेगेटिव फॉर मेलिग्नेंसी. हम ये नहीं बता पाते हैं कई बार कि वो एग्जैक्टली क्या है, विच टाइप, विच वेरियंट, विच टाइप. सो समटाइम्स हिस्टो बिकम्स नेसेसरी. सो दैट्स द क्लास. ओके.